Bismillahir Rahmanir Rahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको MS PowerPoint जो है उसका पहला मेन्यू होम उसके बारे में थोड़ा सा उसके टूल्स कैसे यूज करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं अल फुरकान साइंस अकेडमी, मैं हूं आपका होस्ट फुरकान अली। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम MS PowerPoint को स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 2019। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारे पास टेम्पलेट्स और थीम्स पड़े हैं। तो इनमें से मैं कोई भी एक जो है ना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये वाला टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें ये आपको आगे कलर्स मिलेंगे जितने अवेलेबल होंगे, तो आपको जो कलर भी अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें, उसको सेलेक्ट करें और इधर से क्रिएट कर लें। उसके बाद आगे आपको ये हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें बड़ा सा टाइटल दिया होता है और नीचे सब टाइटल दिया होता है। तो चलें हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें मैं अपने चैनल का ही टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर मैं चैनल का नाम लिखूँगा और उसके बाद नीचे इसका सब टाइटल लिखेंगे। इधर हम सब टाइटल इसका लिखेंगे। सब टाइटल में मैं लेट्स सपोज इसका एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद हमने टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, ये कट है, ये पेस्ट है, ये कट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है, स्लाइड्स हैं। तो ये आपने कट कॉपी तो पहले भी मैंने MS Word में आपको बताया था पिछली वीडियो में, MS Word की जो वीडियोस हैं। तो अब इधर से मैं इसकी ये जो होम मेन्यू है ये हम इसके टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, हम पावर पॉइंट में नई स्लाइड जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी इस आपके साथ ही लिखी हुई है, इसके साथ लिखी हुई है कंट्रोल M। तो आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी नई स्लाइड जो है वो ओपन हो जाती है। ये देखें, इसमें मैं आगे इसका और टेक्स्ट लिखूंगा। तो लेट्स सपोज इसका आप एकेडमी के बारे में जो भी इसकी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं ना एकेडमी का लोगो लगा देता हूँ। इधर से ये देखिए नीचे ऐड टू टेक्स्ट, या फिर अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई ऑनलाइन पिक्चर ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, स्मार्ट आर्ट चार्ट, या आपने टेबल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इधर से मैं पिक्चर सिंपल पिक्चर पे क्लिक करूँगा और इधर से हमारे पास इसमें पड़े होंगे, हमारे पास इधर अल फुरकान, इधर हमारे पास ये इसका लोगो है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमारा एकेडमी का लोगो आ गया। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह इसके लेआउट्स नजर आएंगे। आपकी जो स्लाइड है, MS Word में हम पेज यूज करते थे, इसमें ये वाला जो ये सारा पार्ट है इसको मैंने पिछली वीडियो में भी इंट्रोडक्शन में बताया था, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। ये जो है ना ये हमारे पास इसकी MS PowerPoint की जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं ये इसकी स्लाइड्स हैं। उसके बाद सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, उसके बाद ये इधर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये तमाम सारी क्या हैं इसकी लेआउट्स हैं स्लाइड की। जैसे ये टाइटल स्लाइड, इसमें हम टाइटल और सब टाइटल देते हैं, ये टाइटल और कंटेंट है, इसमें आप टाइटल और थोड़ा सा उसका कंटेंट देते हैं, ये सेक्शन हेडर है। लेट्स सपोज आपने अपनी प्रेजेंटेशन जितनी भी है उसको सेक्शंस में डिवाइड करना है, यानी कि आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन अलग कर दिया, उसके बाद उसका कुछ फीचर्स थे, फीचर्स का सेक्शन अलग कर दिया, एडवांटेजेस, कोई आप किसी किस्म की प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं, वो आप अलग अलग सेक्शंस कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने हिसाब से टॉपिक वाइज आप मुख्तलिफ सेक्शंस बना सकते हैं।
तो ये टू कंटेंट, अगर आपने दो कंटेंट के बारे में बात करनी है तो इधर आप डिफरेंशिएट जैसे करते हैं, तो ये इधर इधर एक टाइटल है और दो नीचे पिक्चर्स हैं, इधर टाइटल है और सब टाइटल हैं दो और उनकी पिक्चर्स हैं, टाइटल ओनली। तो ये इधर पिक्चर अगर आपने लगानी है तो पिक्चर, तो इधर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं लेट्स सपोज ये क्लिक करता हूँ और इधर से पिक्चर पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट वाले मेन्यू से भी पिक्चर इंसर्ट हो सकती है, वो मैं आगे बता दूंगा। तो इधर मैं इस तरह पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और इधर से मैं कोई भी पिक्चर हम लगा देते हैं, इधर हमारे पास इधर पड़ी होगी, यहाँ डाउनलोड्स में हम देख लेते हैं पिक्चर हमारी। इसमें देखते हैं, एक मिनट वेट करें। इधर एकेडमी का मैं ना लगाना चाह रहा हूँ, लोगो लगाना चाह रहा हूँ, इधर से मैं ढूंढता हूँ मेरी पिक्चर, इधर से ये है पोस्टर, इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये देखें हमारा ये एकेडमी का एक पोस्टर आ गया, इधर आप इसका मुकम्मल डिटेल लिख सकते हैं। तो इधर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये अगर आप सब टाइटल लिखना चाहें तो लिख लें, तो इसको खत्म भी कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने 3 स्लाइड लगाई हैं, अभी इतना ज़्यादा काम नहीं मैं करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो अभी मैं इसकी इन्हीं 3 स्लाइड्स पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टूल था उसमें मैंने बताया कि ये स्लाइड कैसे लगानी है। अब ये कट कॉपी की बात करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा एक टाइटल है, इसको मैंने कॉपी करना है, यहाँ इस तरह मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और इधर से ऐसे कॉपी पे क्लिक करूँगा, ये हमारा कॉपी हो गया। अब इधर मैं एक जो हमारा होता है ना टेक्स्ट टेक्स्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो इधर मैं लेट्स सपोज इधर या फिर इसको ऐसे कॉपी करके ना ये जो हमारे पास बॉक्स है इसको कॉपी करके हम इधर लगा लेंगे, या फिर हम इधर से कोई स्टाइल या फिर इधर एक मिनट ठहरे, हम ना इसमें कोई शेप जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, शेप इंसर्ट करके उसके ऊपर मैं लिख दूंगा। तो ये मैं ऐसे शेप ड्रा कर देता हूँ, तो इसके बाद ये हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग आ गया, आप जिस तरह आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बना देते हैं। अब इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है, तो हम पिक्चर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करेंगे और एडिट ऑल्ट टेक्स्ट में इस पर क्लिक किया और हम इसमें टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये देखें ये लिखा आ गया अल्फ़ुर्क़ान संस्करण, और ये हमारा कॉपी और पेस्ट वाला टूल इधर से यूज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास कट है, अगर मैं इसको इधर से कट करके किसी और जगह पे लाना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज ये हमारा फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट पेंटिंग, तो ये मैंने एक फॉर्मेट ऐसे मैंने किसी भी टेक्स्ट को क्लिक किया जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इधर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ऐसे मैंने क्लिक किया। अब जिस पे मैंने अप्लाई करना उसको मैं ये देखिए ब्रश हमारा जो कर्सर है वो ब्रश की शक्ल में चेंज हो गया, तो जिस पे मैंने फॉर्मेट अप्लाई करना उस पे ऐसे ड्रैग कर देंगे तो देखें जिस तरह हमारा ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी तरह नीचे हमारा टेक्स्ट लिखा आ गया था। उसके बाद स्लाइड नहीं लेनी है वो मैंने बता दिया, अगर आपने ये देखें मेरी ये स्लाइड है इसमें ये टाइटल है और ये पिक्चर है, अगर आपने ये पहले सेलेक्ट कर लिया था, अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हो यानी कि ये किस तरह ये जैसे टाइटल और स्लाइड है
उसके बाद टाइटल और कंटेंट है। ये अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने ब्लैंक किया तो ये देखें हमारी जो पिक्चर है वो साइड में आ गई है। तो इसको मैं कंट्रोल से ही कर देता हूँ इधर से, यानी कि आपने अपनी स्लाइड की लेआउट्स वगैरह चेंज करनी है। तो इधर से मैं लेट सपोज कर ही देता हूँ, कोई क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद इधर से हम रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा नहीं हुई है। चलो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ तो ये हमारे पास अंडू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये एक यहाँ पे क्लिक किया, यानी कि ऊपर वाली तीन जो है ये हमारी एक सेक्शन है। अब नया सेक्शन मैं बनाना चाह रहा हूँ तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इधर से अनटाइटल सेक्शन। तो आप इधर हमारे अपने जो सेक्शन है उसको नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो लेट सपोज मैं इधर लिख देता हूँ हमारा इंट्रो तो हो गया, अब मैं इधर लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ही लिख देते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन का एक बन गया है। तो ये हमें वो बता रहा है कि आप इस तरह से इजीली लिंकिंग इसको कर सकते हैं। ओके गॉट इट। तो ये मैंने जो बनाया था सेक्शन, ये अगर आप ये वाली स्लाइड्स में मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप इधर भी मूव करवा सकते हैं। तो चले मैंने ये जो बनाया था सेक्शन उसको मैं इंट्रोडक्शन और इसका ये वाला नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक मिनट है, चले देखते हैं। ये मैंने इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट ऊपर मैंने लिखा था वो मेरा ख्याल अरेज हो गया। तो इधर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया और इधर मैं ऐसे कंट्रोल वी करके और इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट इसमें ऐड हो गया। अब आगे हमारे पास ये लेट्स सपोज ये इसका मैंने राइटिंग स्टाइल जो वो चेंज करना है, तो इधर इसको क्लिक करूँगा। ये हमारे पास राइटिंग स्टाइल में ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, एमएस और जो वर्ड आप उसकी वीडियो में बताया था इस तरह आप इसका राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इधर से फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी हेडिंग जो है उसको बोल्ड करना है तो आप इधर से बी पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल बी पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी हेडिंग जो है वो बोल्ड हो जाती है। अगर टैली करना है तो आप आई पे क्लिक करें तो हमारा जो लेट्स सपोज ये मैंने लिखा हुआ ये वाला टेक्स्ट इसको मैं ऐसे क्लिक किया इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको आई पे क्लिक करेंगे तो देखें थोड़ा सा ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ आप देखें ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा इसमें बोल्ड हो जाता अटैलिक हो जाता सॉरी। उसके बाद अगर आपने इसको किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन लगानी है तो आप इसको सिलेक्ट ऑल करें और इधर से यू पे क्लिक करें और अंडरलाइन लग जाएगी। अगर आप अपने टेक्स्ट को शेडो लगाना चाह रहे हो तो आप इस पे क्लिक करें तो हल्का सा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हल्का सा इसमें ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे हमारा ये हल्का सा शेडो आ गया। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है, इसमें आप अपने टेक्स्ट पे अब आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा सकते हैं। अभी ये हमारे पास है आपने करेक्टर में स्पेसिंग कितनी देनी है, इस पर क्लिक किया ये नॉर्मल है, अगर टाइट करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। अगर आप लूज करना चाह रहे हैं तो ये देखें लूज हो गया, वेरी लूज करेंगे तो और ज़्यादा हमारे पास ऐसे आती जाएंगी, वेरी टाइट पे क्लिक किया तो ये आ गया। उसके बाद ये भी फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए और ये वाला टूल जो है ये फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये जो है ये केसेस हैं, आप सेंटेंस केस बनाना चाह रहे हो तो सेंटेंस केस में क्या होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल और आगे सारे स्मॉल होते हैं। उसके बाद आपने लोअर केस बनाना है तो तमाम करेक्टर्स लोअर होंगे, अपर केस तमाम अपर होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड तो हमारा हर वर्ड जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। और ये हमारे पास हाईलाइटर है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें और जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है आप इस तरह इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करके हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फॉन्ट का कलर है, आप इस तरह फॉन्ट सारे को सिलेक्ट करें। तो ये मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया और इधर से मैं इसको कोई ना कोई कलर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये ग्रीन या फिर रेड सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारा फॉन्ट का कलर आ गया। अगर आप अपने जो आपने टेक्स्ट लगाया हुआ है इसको आप इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग की है इसको क्लियर करना चाह रहे हो
तो आप ये वाला टूल यूज करेंगे। इसमें लिखा हुआ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे ऐसे क्लिक किया तो ये देखे तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो गया। मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास MS Word का होम मेन्यू जो हाफ है। ये इतनी आज की वीडियो, क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो आई एम गोइंग टू अफ्तार। तो अभी ये इसकी हाफ वीडियो है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, ये जो नेक्स्ट टूल है, मैं अगली वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए यही था, मुझे इजाज़त दें, मैं हूँ आपका होस्ट फुरकान अली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।